वाराणसी राष्ट्रीय श्रवण समाज एकता मंच के द्वारा जिला मुख्यालय पर सामाजिक संगठनों ने गौशालाओं की रक्षा के लिए ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की गौरक्षा अभियान चलाया है, सभी सामाजिक संगठनों को इस तरह के कार्य से उत्साहित होना चाहिए और इस सराहनीय कदम से बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। इस दौरान जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया गया। इस कार्य योजना का संचालन स्वतंत्र मिश्रा और देखरेख शमकुंद पाठक और साथ में अजीत पांडे, सुनील चौबे, आनंद पाठक, पवन सिंह आदि लोगों ने किया। हम सभी हिंदू भाइयों ने बीड़ा उठाया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये सराहनीय कार्य है, जिसे कि पूरे प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता उनको सर्वोपरि मान रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वाराणसी में 8 ब्लॉक हैं, 8ों ब्लॉक में गौशालाएं खोली गई हैं। उसमें गौशालाओं में सुविधा नहीं दी जा रही है, जिससे गायें मर रही हैं, उन्हें कुत्ते नोच रहे हैं, उन्हें तमाम प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं जिन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय जिलाधिकारी महोदय कौशलराज शर्मा जी इसका दिशा निर्देश जारी करें कि गौशालाओं में क्या असुविधाएँ हो रही हैं, और हमारे सभी उत्तर प्रदेश और देश के हिंदू भाई अपनी तरफ से गायों की रक्षा के लिए कुछ मदद करने के लिए आगे आए। 60% गायों को कसाईयों को हाथ से बचाया जा चुका है, लेकिन अब समाज और हिंदू भाई अगर मदद नहीं करेंगे तो ये मिशन अधूरा रह जाएगा। इसमें पूरे समाज को इन्वॉल्व होना होगा, केवल सरकार की तरफ से कदम उठाने से यह अभियान पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस जागरूकता के माध्यम से पूरा समाज इसमें सहयोग करे, तभी जा कर के गाय की रक्षा हो सकेगी। गाय हिंदू धर्म के लिए पूजनीय है और माता समान आदरणीय है, इसलिए सबका दायित्व।